हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैटरेक्ट। तो हम कैटरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड देन ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज कैटरेक्ट? क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई। क्या होता है? जो हमारी आई है, इसमें हमें ये पार्ट दिखाई देता है, ऐसे ये जो हमें सर्कल्स में ऐसे ये दिखाई दे रही है हमारा आयरिस, और बीच में हमारा जो होता है, जो हमें ब्लैक डॉट में दिखाई देता है, वो हमारा क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल लेंस होता है। जब उसमें क्लाउडिंग हो जाए, मतलब डी जनरेशन या ओपेसिफिकेशन हो जाए लेंस की, दैट इज नोन एज कैटरेक्ट। ये मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, और लेंस की क्लाउडिंग या ब्लरिंग ऑफ इमेज दिखाई देती है उस पेशेंट में। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो जो वर्ड जो कैटरेक्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कैटरेक्टा विच मीन वाटरफॉल। वाटरफॉल के लिए जो वर्ड कैटरेक्टा है उससे ड्राइव हुआ है। देन इसकी इटियोलॉजी में क्या है, मेनली जो ये होता है ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं, जो उनमें ही देखने को मिलता है ओल्ड एज में। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? या तो लॉन्ग टर्म जैसे यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर हो उसकी वजह से, या फिर कुछ डिजीजेस के सेकेंडरी देखने को मिलता है, जैसे जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस है जिनको, उनमें देखने को मिलता है कैटरेक्ट, या फिर कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से हो जाता है, ठीक है। और ये कंजेनाइटल भी होता है, मतलब बाय बर्थ भी हो सकता है। तो अब हम इसके पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड में भी सेनाइल भी हो सकता है, मतलब ड्यू टू एज की वजह से ट्रॉमेटिक हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, और रेडिएशनल हो सकता है, और इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट भी हो सकता है, और सो ऑन। एक्वायर्ड में तो बहुत सारे रीजन आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। नेक्स्ट है सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि एग्जैक्ट जो ओपेसिफिकेशन हो रही है या क्लाउडिंग हो रही है, वो लेंस के कौन से पार्ट पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट इज एंटीरियर, एंटीरियर कैप्सुलर। सेकेंड है पोस्टीरियर कैप्सुलर। नेक्स्ट इज सुप्रा कैप्सुलर, सुप्रा न्यूक्लियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, और फिर न्यूक्लियर कैप्सुलर कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल है। तो अब हम एक एक करके इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल क्या है? ये बाय बर्थ या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें प्रेजेंट होता है। कंजेनाइटल के जो रीजन है या इटियोलॉजी है वो क्या हो सकती है? फर्स्ट इज हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बच्चों में हो सकता है। दूसरा हो गया मेटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाए तो उसके बेबी को कैटरेक्ट हो सकता है। या फिर मेटरनल इन्फेक्शन, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी मदर को अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ तो उसके बेबी को चांसेस हैं कैटरेक्ट होने के। या फिर डेफिशिएंट ऑक्सीजनेशन हो बेबी में, जैसे कि प्लेसेंटल अगर हेमरेज हो गई है किसी वजह से, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या और भी किसी कॉजेस की वजह से अगर डेफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है बेबी को, तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम क्या मिलेंगे बेबी में, कि उसका जो विजन है वो डिमिनिश होगा, और वाइट रिफ्लेक्स इज सीन इन द प्यूपुलरी एरिया। जैसे आप देखोगे तो प्यूपुलरी एरिया में व्हाइटिश दिखेगा, और हम उसकी फिर जो वो एग्जामिनेशन कराते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन कराने के बाद अब हम कंजेनाइटल है जो उसकी क्लिनिकल टाइप, जो क्लिनिकल टाइप है वो क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल टाइप्स में इसके आता है, जैसे पहला है पंक्टेट और ब्लू डॉट,
जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, पंक्टेट या ब्लू डॉट कैटरेक्ट, ये मोस्ट कॉमन वेराइटी। और इसमें क्या होता है, जो लेंस है उस पर मल्टीपल स्मॉल या फिर स्कैटर डॉट की फॉर्म में दिखाई देती है ओपेसिटी जो है। तो ये हो गया हमारा पंक्टेट। नेक्स्ट इज जोनुलर। जोनुलर है, जोनुलर मतलब किसी एक स्पेसिफिक जोन में होता, पूरे लेंस में ओपेसिटी ना होके किसी एक जोन में होगी, मतलब जो लेंस फाइबर जो भी डीजेनरेट हो रहे हैं या ओपेसिफाइड हो रहे हैं तो वो किसी एक जोन में ही होंगे, ठीक है, बाकी सारा जो लेंस है वो नॉर्मल मिलेगा, ये है जोनुलर। नेक्स्ट इज कोरोनरी, ठीक है। कोरोनरी में क्या होगा, ये मेनली एट द प्यूबर्टी देखा जाता है और इसमें जो है वो डीप लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स है उसकी डीप लेयर इन्वॉल्व होती है और जो न्यूक्लियस है उसकी सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व होती है। इसमें मल्टीपल क्लब शेप्ड ओपेसिटी सीन होती है एट द पेरिफेरी। कोरोनरी मतलब कॉर्नर्स पे, सपोज ये हमने मान लिया जो प्यूपुलरी एरिया है वो मानते हैं, तो जो जोन है उसमें क्लब शेप्ड जो है वो ऐसे ओपेसिफिकेशन ऐसे दिख सकती है पेशेंट में, कॉर्नर्स पे ही होगी कोरोनरी में। जोनुलर में किसी एक स्पेसिफिक जोन में होगी, रेस्ट जो लेंस है वो नॉर्मल दिखेगा। पंक्टेट में डॉट की फॉर्म में जो है वो ओपेसिफिकेशन होती है। तो ये हो गया हमारा कंजनाइटल वाला। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, अगर बेबी का जो विजन है वो ठीक है तो किसी भी ट्रीटमेंट की उसको जरूरत नहीं है। प्यूबर्टी तक हम डिले करते हैं, अगर जैसे सर्जरी वगैरह है जितना डिले हो सकता है, मतलब अगर उसका विजन गुड है तो सर्जरी तभी कराने की जरूरत नहीं है। और उसको जो है वो एट्रोपिन ड्रॉप इंस्टिल करने को बोलते हैं 1 वीक, मतलब वीक में एक बार, और या फिर अगर सर्जरी करानी भी पड़े तो ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी या लेंस एस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंजनाइटल वाला। देन वी कम टू द एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या है, जो कंजनाइटल है वो बाय बर्थ है या अर्ली चाइल्डहुड में होता है। एक्वायर्ड में कोई ऐसी कंडीशन होगी या फिर किसी डिजीज की वजह से जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें जो मोस्ट कॉमन है दैट इज सेनाइल। सेनाइल जैसे हमें सेनाइल कैटरेक्ट वर्ड से ही पता चल रहा है, एज से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरेक्ट और ये भी दो टाइप का होता है, दैट इज कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर। जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कैटरेक्ट और जो न्यूक्लियर है इसको बोलते हैं हार्ड कैटरेक्ट, ठीक है। जो कॉर्टिकल है, अब इसके भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, दैट इज क्यूनिफॉर्म एंड कपलीफॉर्म। जो कॉर्टिकल है इसमें जो कॉर्टिकल एरिया होता है वो ओपेसिफाइड होता है, ठीक है। दो फॉर्म है इसकी, क्यूनिफॉर्म और कपलीफॉर्म। मोस्ट कॉमन जो है वो क्यूनिफॉर्म होता है, 70% केसेस में क्यूनिफॉर्म होता है। कपलीफॉर्म जो है वो हमारा 5% केसेस में होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर है इसको हार्ड बोलते हैं। न्यूक्लियर में जो सेंट्रल जो लेंस फाइबर है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो कॉर्टिकल यानी जो कॉर्नर्स के हैं वो ट्रांसपेरेंट या नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में पहला आता है इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के प्रति जो है वो पेशेंट को इनटॉलरेंस होती है, कलर हेलोज मिलते हैं एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज और डिमिनिश विजन होता है। ये प्रोग्रेसिव है, पहले जैसे उसको पेशेंट को थोड़ा दिखना बंद होता है लेकिन लास्ट स्टेजेस में जाके जब मैच्योर हो जाता है कैटरेक्ट पूरी तरह तो उसको जो है वो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ जो हैंड मूवमेंट है वही समझ में आती है। या फिर पोलियोपिया हो सकता है पेशेंट को, यानी एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो या दो से ज्यादा, तीन या तीन चार इमेजेस दिखने, और ब्लैक स्पॉट इज सीन इन द फ्रंट ऑफ आईज। साइंस इसमें क्या मिलते हैं, फर्स्ट जैसे विजुअल एक्यूटी पेशेंट की जब हम टेस्ट करते हैं तो डिमिनिश हो चुकी होती है, और जब मैच्योर हो जाता है कैटरेक्ट पूरी तरह पैसिफिकेशन हो जाती है तब जो परसेप्शन जो वो हैंड मूवमेंट पे ही होता है। मतलब जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जब हमने आई की एग्जामिनेशन पढ़ी थी तो हम उस विजुअल एक्यूटी पेशेंट की टेस्ट करते हैं तो एट द एंड हैंड मूवमेंट पे आके या लाइट परसेप्शन देखते हैं कि
पेशेंट को यही पता चल रहा है कि कोई हैंड मूव कर रहा है उसके आगे, तो मैच्योर कैटरेक्ट में हैंड मूवमेंट तक ही उसकी जो है वो परसेप्शन हो जाती है। फिर आता है हम उसकी एग्जामिनेशन करके देखते हैं, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन एग्जामिनेशन, इसमें जो है वो कलर देखते हैं हम लेंस का प्यूपुलरी एरिया में। अगर इमैच्योर कैटरेक्ट है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो जो प्यूपुलरी एरिया में जो हम लेंस देखेंगे वो उसका ग्रेश अपीयरेंस आएगी। अगर मैच्योर हो गया कैटरेक्ट तो पर्ली वाइट दिखेगा। ठीक है, फिर उसकी जो डायग्नोसिस है वो हम डायरेक्ट जो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है वो करते हैं, प्लेन मिरर एग्जामिनेशन करते हैं। ये सब करने के बाद, फिर इतना लिखने के बाद, जैसे क्लासिफिकेशन में आप बता सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी होता है यानी ट्रॉमा की वजह से, या फिर डायबिटिक कैटरेक्ट भी हो सकता है डायबिटीज की वजह से, या फिर ड्रग्स की वजह से, जैसे जो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो मायोटिक्स होती है उनका यूज करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, और भी इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट हो सकता है, जैसे पासेज ऑफ अगर ज्यादा ही वोल्टेज का अगर करंट पास हो जाए तो उसमें भी पेशेंट में कैटरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसके टाइप है। आपको 15 मार्क्स के लिए अगर अलग से पूछता है कैटरेक्ट, तो आप इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, इसकी क्लासिफिकेशन बताते हो, सिम्टम एंड देन ट्रीटमेंट, वो इनफ है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जब आता है तो जो आयुर्वेद में जैसे तिमेरिया लिंगनाश पूछेंगे वैसे ही आता है, उसके साथ आप उसका मॉडर्न कोरिलेशन कैटरेक्ट लिखना होता है। तो ये इनफ है कि उसकी डेफिनेशन लिखी, क्लासिफिकेशन अच्छे से बता देना, फिर इसकी इटियोलॉजी, एंड देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, कोई भी मेडिकल जो वो ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन से कोई ठीक होने वाला नहीं, अगर ओपेसिफिकेशन हो जाती है लेंस की, सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए सर्जरी है ICCE, दैट इज इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और इसके अलावा फैको एमल्सिफिकेशन भी होता है। या फेकोलाइसिस, या फिर लेंस इम्प्लांटेशन करते हैं एंटीरियर चैम्बर, या फिर पोस्टीरियर चैम्बर लेंस इम्प्लांटेशन, या फिर इंट्राओक्युलर जो लेंस इम्प्लांटेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। आपको इसको इन शॉर्ट लिखना होगा क्योंकि ये मोस्टली आयुर्वेद कोरिलेशन के साथ ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कैटरेक्ट। थैंक यू।